बाबा, अज्ञान उत्पन्न होने की कारण क्या है? अनगिनत जन्मों के कारण उसे अज्ञान उत्पन्न हो जाता है और उसी के वशीभूत होकर उसे भ्रम हो जाता है तथा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। गीता के अध्याय 5 देखो, जैसा कि वह बतलाया गया है, उसे भ्रम हो जाता है कि मैं जीव हूँ, एक प्राणी हूँ, दुर्बल और असहाय हूँ। गुरु इस अज्ञान रूपी जड़ को काट कर फेंक देता है और इसीलिए उसे उपदेश करना पड़ता है। ऐसे शिष्य की जो जन्म जन्मांतरों से ये धारणा करता आया है, मैं तो जीव, दुर्बल और असहाय हूँ, गुरु सैकड़ों जन्मों तक ऐसी शिक्षा देते हैं कि तुम ही ईश्वर हो, सर्वशक्तिमान और समर्थ हो, तब कहीं जाकर उसे किंचित मात्र भास होता है कि यथार्थ में मैं ही ईश्वर हूँ। सतत भ्रम में रहने के कारण ही उसे ऐसा भास होता है कि मैं शरीर हूँ, एक जीव हूँ तथा ईश्वर और ये विश्व मुझसे एक भिन्न वस्तु है। ये तो केवल एक भ्रम मात्र है जो अनेक जन्म धारण करने कारण उत्पन्न हो गया है। कर्मानुसार प्रत्येक प्राणी की सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस भ्रम, इस त्रुटि और इस अज्ञान की जड़ को नष्ट करने के लिए हमें स्वयं अपने से प्रश्न करना चाहिए कि ये अज्ञान कैसे पैदा हो गया। ॐ साईं।